फलस्तीन के अंदर बड़ा सख्त मसला जारी है। इतना को मसला जारी है कि साढ़े कायदे मोहतरम कायदे मिल्लत सिराज मिल्लत हाफिज मिल्लत अलामा क़िबला हाफिज साद हुसैन रिजवी दामत बरकातहुम अलैहि ने भी खत लिखे, दिगर मकाम पर भी उन्होंने लिखे, क़िबला हाफिज साहब ने भी उन्होंने खत लिखे भाई खुदा वास्ते ए जुमा ये मजलूम फलस्तीनी ने उन्होंने नाम करो भाई लख तो उत्ते बंदे वो ने जेडे सख्त तरीन जख्मी एक हों मामूली जख्म एक सख्त तरीन जख्म और तकरीबन 10,000 बंदे इंज देने जेडे हले भी मलबे थले ने उन्होंने चाण आला कोई 43,000 वो मजलूम फलस्तीनी ने जिन्हें शहादत हो चुकी हैं। तुसी नेट से जाके चेक कर लो, वो तो कोई मस्जिद नहीं छड़ दे पे हो, मस्जिद बमबारी कर दे, कोई मस्जिद नहीं छड़ दे पे, कोई जिते जख्मी ने हस्पताल ने उन्होंने हस्पतालों नहीं छड़ दे पे, कोई ऐसा मकाम नहीं छड़ दे पे जिते जनाब वो बमबारी नहीं कर दे। ते क़िबला हाफिज साद रिज़वी साहब ने साढ़े कायदे मोहतरम ने ये तमाम अहले इस्लाम जेडे पाकिस्तान दे रहन वाले ने उन्होंने दर्दमंदाना अपील की थी, फरमाया भाई मेहरबानी करो तो सारे आवाज़ उठाओ। ऐ मैं चंद घंटे पहला एक वीडियो देख रहा सी, उन्दे विच एक औरत दा इंटरव्यू अरबी दे विच लैके ले रहे सन, तो औरत जिहड़ी सी उसने पहला सवाल जिहड़ा कीता उन्दे अगे सवाल कीता भी आया अम्मा तू कल्ली चल जांदी पई है, उस आखिया मैं रह ही कल्ली गई हाँ, मेरे घरों 10 शहीद हो गए ने, मैं 10 शहीदां दी मां। चंद दिन पहला मैं एक बच्चे नूं देखिया जिंदा नाम गालिबन मुहम्मद इब्राहिम इब्राहिम नाम का छोटा जा बच्चा है जिंदा सारा खानदान शहीद हो गया, वो कल्ला बच्चा रह गया, उन सारे एक इधरों प्यार दिंदा है एक इधरों प्यार दिंदा है एक इधरों प्यार दिंदा शुदा रोंदा है, और काफ़ी दिन पहला भी मैं उनकी वीडियो देखी सी रो रहे है, रो रहे है, रो रहे है। फिर मैं एक वीडियो मेरी नजर च गुजरी कर रात जिस वक्त का क़िबला कायदे मोहतरम ने हुक्म जारी फरमाया उस वक्त का, फिर मैं इस सूरत हाल दे विच सी, एक मैंने बाबा बुजुर्ग नज़र आया उस वीडियो दे विच जड़ा ना एक सतून नु फड़ के ते रोंदा पे आंदा है ए इब्राहिम नु अग तो बचाण वाले साडे भी मदद फरमा, उनका भी कोई खानदान का फर्द नहीं बचा, सिर्फ वो कल्ला बाबा रह गया। तो इस दुख की घड़ी के अंदर सानू चाहिए कि असी अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों वास्ते बहनों वास्ते कायदे मोहतरम बहुत वर्क करते पे ने, इतना वर्क करते पे ने कि उदे बिल्कुल है ना, चंद घंटे पहले मैं एक वीडियो देखी तो उनके बच्चे एक बच्ची जी है ना जी वो लैन गई है दूसरा चावल उस तो बाद बैंगन जिन्हें बताऊँ असं कहने बताऊँ इस तरह की कुछ चीज़ा लैन वास्ते उन्होंने आँधी मैं बेटी बच्ची छोटी कहती साड़ा दिल किया वैसे कोई चीज़ अपनी अरबी दे सदे ने कुछ वो हूँ मैं तुम्हें तो वो लफ्ज़ नहीं दसना गलत नहीं यानी कि वो चीज़ एक बनाना चाहती थी ते जिस वक्त जनाब वो गई है उन खाली चावल मिले ने तो इंटरव्यू करने वाला कहता बेटी किधर गई थी, कहते भाई फलां चीज़ लेने के लिए गई थी लेकिन सिर्फ चावल ही मिले हैं, आज हम इसको ही सब कुछ समझ के खा लेंगे। इंज झुगियाँ लगिया हुई ने खुदा वास्ते जेडे नैट इस्तेमाल कर रहे हो नेट की दुनिया में रहते हो वो अपनी इन्होंने उंगलियों के नाल आवाज़ बुलंद करे जे जेडे तुसी जिस तरह भी तामन कर सकते हो क़िबला कायदे मोहतरम उधर पानी के कूहे जड़े ने जी वो आपने मतलब जारी करवाए ने टेंकियां पानी दी लोग आ रहे हैं पानी लेके जा रहे हैं, बाबा जी तस्वीरें लगी हुई ने क़िबला कायदे मोहतरम तस्वीरें लगी हुई ने, तो याद रखो असं मुसलमान हाँ तो मुसलमान की शान की है ये कअन्नहुम बुन कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस जिमें रांगा पिलाई हुई दीवार होंगी है ना इट दे नाल इट रोड़े दे नाल रोड़ा पत्थर दे नाल पत्थर बलाक दे नाल बलाक लगा होंगे तो फिर इमारत बनती इवें असी मुसलमान हाँ चलो अरबी ने असी अजमी हाँ कलमा तो मुस्तफा दा ही पढ़िया सारे हिम्मत करो सारे तवज्जो करो जिथे तक हो सकता है ये आवाज़ उठाओ और ये आवाज़ जी है ना जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ल्ला अल्लाह अकबर कबीरा। और अगले चंद दिन पहले मैं फलस्तीन के हवाले नाल जी मैं अपना वर्क करता पे सी
जिस टाइम मैं सारे मामलात वेखे तो मैं दिल में ऐद किया मैं हूँ नहीं वेखना, यानी कि मेरे को बर्दाश्त नहीं, सारे मामलात बर्दाश्त नहीं सन होंगे। मैं आख्या नहीं मेरे को वेख्या जाता, मैं अगों नहीं वेखना करना, और बिल्कुल मैं नीचे वेखदा, लेकिन यानी बर्दाश्त नहीं होंगे, यानी जितने भी मामलात ने। और फिर आखिरी तुम मैं गल सुनावा, मैं एक वीडियो वेखी तो उनके ये बी कोई कंबलों में किसी मैयत को दफनाया वलेटिया गया, यानी कि कंबल का चादर का खेस का जिड़ी जो कुछ भी उन्होंने मिले उन्होंने कफन बना दिता है, उसके कफन खत्म हो गए, कफन खत्म हो गए। तुम अगलो एक लेकिन जोड़ा वो इसराइल का वजीर आजम है ना, वो कुत्ते का बच्चा, वो अगले दिन अमेरिका गया, ये वो गल् ने जिन्हें तो कुछ तुम ना वाकफ हो। अमेरिका गया तो अमेरिका जिस वक्त गया ना जनाब, उन्होंने पूरा उन प्रोटोकॉल दिता उस सूर के बच्चे नू, पूरा प्रोटोकॉल दिता है। तो उन्होंने उस जी उस तकरीर की ना अमेरिका के उ वजीर आजम सदर के कोल, उस उत्ते पता की आख्या, मैं उस आख्या वह मैं फलस्तीन का एक बच्चा भी नहीं रहन देना, मैं सारे खत्म करना। तो यार असं मुसलमान हाँ तो सानू चाहिए असी उठिए तो असी असी हिम्मत करिए, असी आवाज से उठा सकते हैं ना। हम दसो ना जी ओदे कफन खत्म हो गए, साढ़े मुसलमान हुक्मराना दे विचों गैरत खत्म हो, हर कोई अपनी अपनी जगह के उत्ते बैठा है, मस्त बैठा है कोई। तो दुआ करो तो अल्लाह ताला सानू आवाज़ उठाने की बोलन तौफीक अता फरमाए। हूँ यह चंद दिन पहला जी तहरीक हमास उनके कायद शहीद होए ने, उन्होंने नाम से यहया संवार, यहया उस तो पहला एक कारी सन हाफिज इस्माइल हनीया, वो भी चंद दिन पहले ही चंद महीने पहले शहीद हुए ने। ते उन्हें दोनों बुजुर्गों वास्ते अल-फातिहा। बिस्मिल्लाह रब्बिल आलमीन अर-रहमानिर-रहीम या कना बदवा या कना सल्लत रसूल तो मुसकी मसरात الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد मालिक मुल्क फिर हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के तवसल से इस जमी तिलावत को अपने मुबारक बारगाह आलिया में कबूल फरमा। हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदका व जलील वसीला से तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान, तमाम अहले बैत कराम अलैहिम रिज़वान के सदक़े तहरीकी हम्मास के जो कायद हैं किबला यहया संवार और किबला हाफिज इस्माइल हनिया रहमहुल्लाह ताला, उनके रबाए पाक को तोहफा पेश करता हूँ, कबूल फरमा। जितने भी मजलूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं सबकी अरवाह को तोहफा पेश करता हूँ, कबूल फरमा। मालिकुल मुल्क इन कायदीन ने जो जाम शहादत नोश किया, मालिकुल मुल्क तमाम उम्मत मुसलमा को उनकी शहादत के सदके बेदारी अता फरमा। जिस तरह उन्होंने गैरियत गैरत व हमीयत का जो है वो इजहार किया और इस मस्जिद अक्सा जो किबला उला है उसके तहफ़ के लिए, इस्लाम के किबला अव्वल की इज़्ज़त व हुरमत के लिए उन्होंने अपनी जानों के जो है नजराने पेश किए, मालिक उनके इस नजरानों को कबूल फरमा और हम सबको हया अता फरमा, बेदारी अता फरमा। किबला कायद मोहतरम किबला हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातहुम अलआलिया की जो पाकिस्तान में और फ़लस्तीन में जितने भी कोशिशें हैं काविशें हैं उनको कबूल व मंजूर फरमा, और कायद मिल्लत का साया हम सब के सरों पर कायम दायम फरमा, और हम तमाम मुस्लिम उम्मा को बेदार हो के यक ज़ुबान हो के इन तमाम जो इंसानी जो है कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और बदमाश हैं गुंडे हैं, मालिक उनके खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े होने की तौफीक अता फरमा। मालिकुल मुल्क सब उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही।